क्या आपको पता है? जी हाँ, आपको पता है कि हम घर पर भी एक्सरसाइज करके वेट लॉस अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आलस आता है। डेली सोचते रहते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन नहीं करते। तो अब करिए ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए घर पे एक्सरसाइज करना, और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। एक होता है ना कि वेट लॉस करना, एक होता है तेज़ी से वेट लॉस करना। तो आप क्या चाहते हैं? आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हैं? हाँ, हमको पता है आप तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको खान पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक खास बात है कि जब भी आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो हर चीज़ में अगर आप उस चीज़ का क्वांटिटी कम कर देते हैं तो आपका वेट लॉस तेज़ी से होगा फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से होगा। जैसे अगर मान लिया जाए आप 2 रोटी डेली खाते हैं खाने में, तो आप उसको 1.5 कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए। अगर आप 2 कटोरी चावल खाते हैं तो आप उसको 1.5 कटोरी कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो जो चीज़ आप खाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, तो हर चीज़ में अगर थोड़ा बहुत आप कम करेंगे ना, धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि सच में आपका वेट तेज़ी से लॉस हो रहा है। कि इतना जल्दी कैसे हो गया, आपको आश्चर्य लगेगा कि इतना जल्दी मेरा वेट लॉस कैसे हो गया। आखिर एक्सरसाइज के साथ साथ आप अगर खाने पर भी ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। तो हम तो डेली करते ही हैं एक्सरसाइज, अगर आप भी चाहते हैं वेट लॉस करना तो आप भी मेरे साथ डेली करिए एक्सरसाइज। पता है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए क्या करना है? कुछ लोग कहते हैं कैसे करें एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करें जो वेट लॉस होगा। अरे कुछ नहीं करना है, आप डांस ही कर लीजिए, उछल कूद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको करना है तो बस आपका वेट लॉस निश्चित है। और यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद बस 2-4 खाएंगे खजूर बैठ के आराम से, फिर लगते हैं आगे काम में। ये खजूर आपको बहुत ही एनर्जी देता है और इससे ब्लड भी अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छा होता है। लेडीज को तो खास करके ये खाना ही चाहिए, इसमें बहुत सारा विटामिन आयरन रहता है, तो खाना ही चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो ये है शाम का टाइम, अयांश यहाँ पे कंप्यूटर पर देख रहा है यूट्यूब से, ये कौन सा फुटबॉल का शायद देख रहा है। इसको काफ़ी अच्छा लगता है फुटबॉल का देखना। यहाँ पे खेल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके बारे में बताया जा रहा है कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलता है, कैसा नंबर लाता है, तो बस वही देख रहा है। दूध पी रहा है आराम से, उसको मज़ा से देख रहा है। और हम देखिए कितना अंधेरा है, रात हो गया है, खाना पीना सबका हो गया, बर्तन धो रहे हैं। यहाँ पे आंचल उसका वीडियो ली तो मेरा भी आकर के यहाँ पे ले ली थोड़ा सा, और बेसिन भी धो रहे हैं यहाँ पे बर्तन। काफ़ी अंधेरा हो गया है, बाहर का लाइट जलाना पड़ा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज गए 9:30 दिन के और मेरा घर हो गया खाली। दोनों बच्चे चले गए स्कूल, इसके पापा चले गए ड्यूटी। देखिए दिन के बज गए 9:30 और अब हम आगे का काम करते हैं स्टार्ट। आज धूप बहुत ज़्यादा है, दूध आ गया है। देखिए हम उधर काम कर रहे थे, इधर मेरा दूध आ गया और आज लग रहा है 1 kg दूध है। 1.5 kg लेते हैं, फिर आज 1 kg मिला है, पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब झाड़ू पोछा मेरा सारा चीज़ हो गया है, बस बेड वगैरह। फ्रेंड्स, यहाँ से लगते हैं अपने काम में। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, बस बेड ठीक करना बाकी रह गया था। बेड ठीक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको बाद में करते हैं, पहले झाड़ू पोछा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आंचल के पापा सुबह जाते हैं स्नान करके, पूजा करके स्कूल, इसलिए झाड़ू पोछा बहुत ज़रूरी हो जाता है। बेड तो बाद में भी ठीक हो जाता है, बस बेड ठीक करना है। चादर वगैरह जो भी होता है तो इसको समेटना है, अच्छे से रखना है। रजाई हल्का कम्बल रखते हैं, पतला वाला, बस इससे काम चल जाता है। क्योंकि एसी चलता है ना, तो इसमें एक कम्बल चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आराम आराम से हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल डे हो गया है तो 3:30 बज जाता है आने में। और आराम से यहाँ पे हम अपना काम कर लेंगे, बच्चों के आने तक सारा काम हो जाता है मेरा कम्प्लीट। और अभी तो थोड़ा आराम करने का भी टाइम मिल जाता है हमको, बच्चे लोग लेट से आते हैं तो उधर मॉर्निंग था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था हमको अपने लिए कि आराम भी कर पाए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छे से आराम से काम भी कर लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पीछे रूम में आ गए आंचल के रूम में, और इसका रूम तो और तहस नहस रहता है। थोड़ा बहुत हम सामान सुबह समेटे थे, बस चादर वगैरह बेडशीट वगैरह रह गया था ठीक करने के लिए,
तो यहाँ का भी चादर कम्बल वगैरह मोड़ के रख देंगे। और पता है बच्चे का रेक ना ऐसे ही फैला रहता है, हम डेली बोलते हैं, दोनों को बोलते हैं, दोनों अपना अपना रेक जाके ठीक करो, कैसे रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहता है सारा चीज़, पेंसिल वगैरह सारा रूम में बेड पड़ा रहता है, सब समेट के रखते रहते हैं, डेली एक ही बात बोलते हैं फिर भी बच्चे समझते नहीं हैं। तो सुबह ना हम सारा बुक वगैरह समेट के रख दिए थे रेक पे, और बस ये सब रह गया था, बाकी इसको रख देते हैं जगह पर। तो कभी कभी ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वेट लॉस के जर्नी में डेली रूटीन भी शेयर करना, क्योंकि टाइम पे खाना पीना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है फ्रेंड्स टाइम पे। जो नाश्ता खाना, देखिए खाना तो कुछ भी जैसे जो हम लोग खाते हैं वही खाना है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं कि ये वो खाना है तामझाम वो नहीं करना है, जो डेली खाते हैं वही खाना है, बस खाने का थोड़ा सा मात्रा कम कर देना है और टाइम पे खाना है। तो इसमें थोड़ा लग जाता है मेहनत, और एक्सरसाइज भी करना होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डेली रूटीन शेयर करना, एक्सरसाइज करना, लेकिन फिर भी आप सबके लिए हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। और यहाँ पे उस रूम का हो गया था बेड वगैरह ठीक, और यहाँ पे आ गए हैं, मशीन में देना है कपड़ा, थोड़ा बहुत कपड़ा था, बच्चे स्नान वगैरह करके गए थे तो कपड़ा थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो पहले का जितना भी कपड़ा है जो कि हम बाथरूम के बाहर देते हैं टंगना पे और रूम में देते हैं, ये सारा उठा के इसको रख लेंगे जगह पे, ताकि यहाँ पे मेरा जगह खाली हो जाए, दूसरा कपड़ा धोएंगे तो अंदर दे सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ अभी समस्या क्या है ना कि कड़ा धूप करता है तो भी हम बाहर जल्दी नहीं जा पाते हैं, और आप देख सकते हैं कितना कड़ा धूप किया है, मेरा पर्दा पीछे लगा हुआ है फिर भी रोशनी कितना आ रहा है, गेट खुला हुआ है, पर्दा शायद पूरा वहाँ तक नहीं लगा, थोड़ा सा हटा हुआ है, बहुत तेज़ धूप आता है फ्रेंड्स, सर में मेरे दर्द हो जाता है धूप में अगर हम जाते हैं तो, अंदर ही दे देते हैं, बारिश का मौसम है, कभी बारिश कभी धूप करता है तो बारिश में भी भीग जाएगा, धूप में जाने से हमको परेशानी होता है, तो ज़्यादातर करके हम अंदर ही देते हैं कपड़े को। और यहाँ पे देखिए मशीन में कपड़ा देने के बाद आ गए थे, इडली के लिए हम यहाँ पे बैटर तैयार कर रहे हैं, तो अरवा चावल और कलाई दाल और मेथी हम कल ही दे दिए थे फूलने, कल 10 बजे सुबह दिए थे, दिन भर फूला, फिर रात भर, फिर आज सुबह जा करके इसको हम पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। और उसके बाद पता है फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जाड़े के मौसम में खमीर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, गर्मी के मौसम में तो जैसे भी रखिए खमीर बन जाता है, लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा है बिल्कुल उल्टा हो रहा है, गर्मी के मौसम में भी जल्दी खमीर नहीं आ रहा है, इसके पिछले बार हमको पूरा बैटर हमको फेंकना पड़ा था, आप सबके साथ शेयर भी किए थे, 3 दिन रखे रहे खमीर बिल्कुल भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स इडली का बैटर तैयार करके उसको हम डायरेक्ट जाके धूप में रख दिए ताकि खमीर अच्छे से आ जाए, आयांस को काफ़ी जल्दी पड़ा हुआ था इडली डोसा खाने का और इडली सांभर भी खाने का, तो बोल रहा था मम्मा डेली ऐसे करके बनाओ दो बाहर धूप में खमीर आ जाएगा, तो बस वही कर रहे थे, दूध भी बॉयल हो गया, देखिए मशीन से कितना सारा झाग निकला है, सभी को समेट के हम बेसिन पे खेलने लगे हैं, ये रख रख के काफ़ी अच्छा होता है ना, लगता है बच्चे हो या बड़े थोड़ा मन चंचल होता है, खेलने लग जाते हैं ऐसा कुछ देख के। सूट भी लेके गए थे और आंचल पापा का ये जीन्स है, ये भी बड़ा साइज आ गया है, मतलब बड़ा साइज जो साइज पहनते हैं वही साइज ऑर्डर किए थे फ्रेंड्स, लेकिन क्वालिटी में अंतर होता है ना, बस वही क्वालिटी में कुछ अंतर होगा तो ये, और मतलब साइज वही जो पहनते हैं लूज हो रहा था तो फिर इसको भी रिटर्न करना, ये नहीं आया था, अभी मेरे सूट का आया था, ये भी एक साइज बड़ा हो रहा था, जो पहनते हैं वही ऑर्डर किए थे लेकिन उसमें भी बड़ा हो रहा था, दूसरा आया है, अभी हम देखते हैं पहन के कैसा होते हैं, पहले इसको एक हाथ से तो खुलेगा नहीं, ये खुल गया है, अब देखते हैं फ्रेंड्स, वो एल साइज दे दिया था, ये एम साइज है, देखते हैं ये साइज एम साइज है, देखते हैं हम ड्रेस पहन के देखते हैं फिटिंग हुआ या नहीं, लेकिन क्या है ना लेट होते जा रहा था, पूजा नहीं हुआ था, स्नान भी नहीं किए थे तो स्नान करने चले गए, और मेरा यहाँ पे पूजा भी हो गया, पूजा हो गया क्योंकि पूजा पाठ नहीं हुआ रहता है, मन में लगा रहता है कि अभी सारा काम बाकी है, क्योंकि पूजा करना एक मन को शांति मिलता है, अच्छा लगता है भगवान से जुड़े रहना, भक्ति भाव में जुड़े रहना, तो पहले स्नान करके पूजा ही कर ली, अब ड्रेस पहन के देखते हैं कैसा आया, लग तो रहा है इस बार एम साइज है फिटिंग। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से है, ठीक ही है लेकिन थोड़ा अभी भी लूज है, इसको हम घर में तैयार कर लेंगे। Sen git.
यहाँ पर देखिए आज आयांस हमको करवा रहा है एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छे से करवा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो का दी एंड यहीं पे करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।